चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज 2.1 × 10⁻²⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर. द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. तो सबसे पहले एक लूप बनाते हैं, करंट कैरिंग लूप, ठीक है. इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की. इसका रेडियस हम मान लेते हैं ए, और उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है एज्यूम करें आर, ठीक है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसके कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m अपॉन आर क्यूब. अगर आर जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपेयर टू ए, ठीक है, तो ये होता है आर बहुत बड़ा है ए से, तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये दी हुई है m की वैल्यू, m इज इक्वल टू 2.1 × 10⁻²⁵, ठीक है. r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 1 × 10⁻¹० मीटर, ठीक है. इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 10⁻³ के, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है. 2 × कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 2.1 × 10⁻²⁷ लिख दिया क्या मैंने, 25, ठीक है, −27 डिवाइडेड बाई आर क्यूब. आर का क्यूब क्या होगा, आर का क्यूब है 10⁻³ का होल क्यूब, 30 का होल क्यूब, सॉरी उल्टा लिख दे रहा हूँ, 10³, ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा. तो ये 2 × 2.1 = 4.2 हो जाएगा, −7 −25 +30, ये कितना आ जाएगा, 4.2 × 10⁻⁵, ये हो गया +5 −7 −2 −2. मैग्नेटिक फील्ड एट टी पॉइंट पे कितनी होगी, 4.2 × 10⁻²⁷. ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.